हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद सुषमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप वीडियोस बहुत सारे देख पाएँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे, वो भी आटे के। ये मैदे की अपेक्षा थोड़ा हेल्दी होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। आटे के भटूरे बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 कप आटा ले लिया है, छना हुआ गेहूँ का आटा। अब इसमें हम ये 1/2 कप मैदा डालेंगे और 1/3 कप ये सूजी। इनको हम अच्छे से हाथ से ही पहले ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें बीच में डालेंगे थोड़ा सा दही। दही जो हम डालेंगे वो 1/4 कप जो होता है उससे हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। और दही आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रेश का निकला हुआ दही ना लें, क्योंकि फिर वो आटा फूलने में टाइम लेगा, अच्छे से फर्मेंटेशन नहीं होता उसका। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। ये चीनी 1 टीस्पून मैंने ली है। इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ये बेकिंग सोडा है। ध्यान रखें बेकिंग पाउडर नहीं मिलाना है, बेकिंग सोडा मिलाना है। भी 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक भी मिला दे रहे हैं और इसको अच्छे से बीच में पहले मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम ये आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें तेल नहीं मिलाया है, तेल हम बाद में यूज़ करेंगे इसको थोड़ा सा गूथने के लिए, अच्छे से चिकना करने के लिए। ये अच्छे से हमने इसको मिला देना है। आटे के भटूरे हेल्दी भी होते हैं, मैदा कहीं ना कहीं हैवी हो जाता है आप फुल मैदा यूज़ करते हैं तो उसके मुकाबले तो ये ठीक ही रहते हैं। अदरवाइज सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको पानी से गूंथेंगे। इसको हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे गूंथने के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें डाल के इसको गूंथूंगी, इकट्ठा नहीं डालना है। जितनी हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम इसको गूंथेंगे। ये आटा देखिए हमने गूंथ लिया है। इसमें देखिए 1 कप हमने पानी लिया था, इसमें थोड़ा पानी फिर भी बच गया है। तो रोटी जैसा मुलायम आटा हमें गूंथना है। तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा चिकना करेंगे। ऐसे ऑयल ले लिया है 1 टीस्पून के लगभग। अब इसको हम चारों तरफ से ऐसे चिकना कर लेंगे। हमने इसको 2-3 मिनट जो है ऑयल लेकर चिकना कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, या फिर आप जितना टाइम दे सकते हो 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाना है तो 1/2 घंटे के अंदर भी ये सूजी थोड़ा फूल के तैयार हो जाएगी, तो आप बना सकते हैं। लेकिन आप इसको 1.5-2 घंटा रखेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा, सूजी भी अपना पूरा जितना पानी है वो सोख लेगी और अच्छे से फूल जाएगी। 2 घंटे हो गए हैं भटूरे के आटे को फूलते हुए। तो अब हम इसके भटूरे बनाएंगे। ये देखिए खूब फ्लफी हो गया है, अच्छे से फूल गया है। तो हमें ऐसा ही डो चाहिए भटूरे के लिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं इसको। थोड़ा सा और हम एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे तो हम भटूरे बनाएंगे। इसकी हमने ऐसे ये एक काट ली है लेंथ, ऐसे कर लेंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, या जितने बड़े भी हमें भटूरे चाहिए उस हिसाब से। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, जैसे कि भटूरे फूले फूले बने। तो ऐसे हम एकदम से चिकना कर लेंगे। इसी तरह मैं 4-5 बना लेती हूँ। ये मैंने इसकी एक ऐसे इसको थोड़ा चिपटा कर लेंगे।
और इस पर थोड़ा सा हम ऑयल यहाँ पर लगा लेंगे। हम इसको सूखे आटे के सहारे नहीं बेलेंगे, ये ऑयल ले लिया है और ये इसको हम बेल लेंगे। जैसा भी आकार आपको पसंद हो वैसा आप बना लीजिए, अंडाकार या फिर गोला या फिर जैसा भी शेप आपसे बन पा रहा है। तो ये देखिए मैंने ऐसे ले लिया है। अब मैं इसको गरम कढ़ाई में डालूंगी और इसको हम फटाफट से ऐसे दबाएंगे और एकदम से पलट लेंगे धीरे से। ये देखिए हमने इसमें शुगर का जो ऐड किया था शुगर को, उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा ब्राउन होगा, अदरवाइज़ ये आटा है तो आटे का कलर भी थोड़ा सा डार्क ही आता है। तो जो है हम ये देखिए इसी तरह हम और भी बना लेंगे। जब आप भटूरे तलें तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी भटूरे अच्छे निकलते हैं। अगर तेल कम गर्म होगा तो भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे और फूलेंगे भी नहीं। तो ये मैंने ऐसे निकाल लिया है। ये देखिए गर्मा गर्म भटूरे तैयार हैं। आप इनको छोलों के साथ सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे और मैदे के मुकाबले थोड़ा तो हेल्दी ही रहेंगे। तो बनाइए आप भी आटे के भटूरे और बताइए कैसे बने हैं। अगर आपको आज के ये भटूरे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आप नए नए वीडियोज़ बहुत ही आसानी से देख पाएँ। थैंक यू।